पाकिस्तान में आतंकी ने अपने आप को किस तरह बम से उड़ाया, वायरल खबर है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार सुबह बम धमाका हुआ जिसमें 3 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हुए। ऐसी खबर है कि क्वेटा के मास्तूंग रोड पर स्थित एक चेक पोस्ट पर ये आत्मघाती हमला हुआ है। बलूचिस्तान कमांडर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTDD ने इस हमले की पुष्टि की है और बताया कि इसमें सोहना खान FC चेक पोस्ट को निशाने पर लिया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि CTD की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई है। विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस, कानून परिवर्तन एजेंसियों और बचाव अधिकारी इलाके में पहुंच गए। घायलों को शेख जैद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ने चेक पोस्ट पर कानून प्रवर्तन एजेंसी के वाहन में अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। विस्फोटक होने के बाद तुरंत बाद जांच करने के लिए बम निरोधक इकाई घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं खबर मिली है कि पाकिस्तान तहरीक ए तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्राथमिक रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में फ्रंटियर कॉपर्स पाकिस्तान सुरक्षा बल को निशाना बनाया गया है। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान की पकड़ मजबूत हुई है, तभी से पाकिस्तान पर TTP के हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान ने TTP को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। यही कारण है कि वो तालिबान से मुलाकात कर बार बार TTP के आतंकियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की मांग कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान को उस वक्त झटका लगा जब तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान खुद TTP से निपटे। जब से तालिबान का काबुल पर कब्जा हुआ, तब से अब तक कम से कम 52 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अलग अलग हमलों में मौत हुई है और कई घायल भी हुए हैं। इससे पहले पिछले महीने भी बलूचिस्तान के जारधून रोड के यूनिवर्सिटी चौक पर पुलिस की एक वैन को निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया गया था, जिसमें 15 पुलिसकर्मी सवार थे। इसमें से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और बाकी घायल हुए थे। विशेषज्ञों का कहना कि बेशक पाकिस्तान सोचता है कि उसने तालिबान को हमेशा मदद दी है, इसलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो यह उनके लिए बहुत गलत है। अगर इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए वाला आइकन के बटन को आप ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच जाए।